से सम्मान का विषय है। या वातावरण खड़ा हुआ है, व्यापारी उसमें सुरक्षित है, कुछ मांगों को हम रखने वाले हैं। 2024 का चुनाव आ गया है, हमारे बीच में महामहिम जी हैं, आपके माध्यम से हम ध्यान आकर्षण के लिए कुछ पत्र और मांग पत्र रखेंगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रखेंगे। और अभी आपने कहा व्यापारी को क्या चाहिए, तो वो एक चीज चाहिए, भीख नहीं अधिकार चाहिए, दया नहीं सम्मान चाहिए, इसकी लड़ाई लड़ रहा है। और अमित जी के लिए एक बात कहूंगा, आपने जो प्रयास किया है कि चुनाव के पूर्व आपने जो ध्यान आकर्षण के लिए, सरकारों का ध्यान आकर्षण करने के लिए जो मांग पत्र दिया है, कि निश्चित रूप से संघर्ष की नहीं सहयोग की भावना का परिचायक है कि हमारी मांग सरकार तो सब प्रकार से कर रही है, उसका समायोजन करेगी, तो जो किसी किंचित मात्र किसी कारण से छूट रहा है उसका भी समावेश हो जाएगा और हमारे व्यापारियों का कल्याण हो जाएगा। इसलिए आपके लिए एक पंक्ति, सफलता एक दिन में नहीं मिल सकती, सफलता एक दिन में नहीं मिल सकती, लेकिन ठान लो तो एक दिन अवश्य मिल सकती है। ऐसे इस विचारधारा को लेकर संगठन चल रहा है। इसी क्रम में विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष काशी से चल के आए श्रीमान अजीत पग्गा जी, जिन्होंने काशी क्षेत्र में काफी काम किया है, ऐसे प्रशंसनीय कार्य के साथ साथ आपका स्वागत करता हूं कि आए और व्यापारियों के समस्याओं के साथ साथ मंत्री आलूकारिया जी आज की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय जन उद्योग के अध्यक्ष अमित जी और हम व्यापारियों के बीच हमारे प्रदेश की महामहिम जी, जिनके आने से हम व्यापारियों का सर सम्मान से ऊंचा हुआ और आपने गुजरात में भी बहुत कार्य किया और जब से आप प्रदेश में आई हैं प्रदेश भी हर तरह से खुशहाल रहा और माननीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो भी आशाएं थी या जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो लोकल से वोकल की रही हो, चाहे उनका विचार रहा हो युवा किसान महिलाएं और व्यापारी, उन सारे बिंदुओं पे बहुत ही अच्छे से कार्य हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यापारियों को जिस चीज़ से सबसे बड़ी दिक्कत थी, माफियाओं से, आज माफिया राज पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और विकास की धारा बह रही है। रोपवे से लेके, रोड से लेके, वंदे मातरम ट्रेनों से लेके, सुरक्षा से लेके, योजनाओं से लेके, इतनी योजनाएं आ रही हैं कि आज हर व्यक्ति को व्यापार मिल रहा है। और यह सारी देन हमारे डबल इंजन सरकार की है और महामहिम जी का उस पर ध्यान है, जिसकी वजह से आज हम और हम लोग काशी से आए हैं। तो काशी से आने के बाद सबसे पहला नारा होना चाहिए, हर हर महादेव, जय श्री राम। क्या प्रॉब्लम है मुझे बताइए, 1 लाख ने लिया तो लास्ट वाला एक लाख वही होना चाहिए ना, थोड़ा बदल जाता है, जो लेता है वही 3 बार लेगा। तो ऐसी तरह जितनी योजनाएं राज्य सरकार ने